नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। साथियों, आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन है। आज ही के दिन भगवान श्री गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। तकरीबन 2500 वर्ष पहले नेपाल के एक गांव लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ। उनके पिताजी एक राजा थे, उनका नाम था सुशोधना और उनके माताजी का नाम था माया देवी। और बचपन से ही अगर मैं भगवान जी की बात करूं तो वो काफ़ी दयालु थे और बचपन से उनको जानवरों, पशुओं से, इंसानों से काफ़ी प्यार था। जब उनका जन्म हुआ तो उनके पिताजी ने एक धार्मिक सभा बुलाई और अलग अलग पंडित इकट्ठे हुए। उन्होंने भविष्यवाणी की कि ये जो लड़का है बड़ा होके जा तो एक बहुत युग पुरुष बनेगा, सन्यासी होगा, या तो एक राजकुमार बनेगा। तभी से उनके पिताजी काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कशमकश में आ गए, क्योंकि वो चाहते थे कि उसका जो बेटा है वो उसका राज संभाले। तो उन्होंने जो उनके सैनिक थे सभी लोगों को कह दिया था कि इसके मन को कोई चोट ना लगे, ताकि ये कभी सन्यास की ओर, विराग की ओर ना उत्साहित हो, इसके मन को कोई चोट ना लगे। तो उनके पिताजी ने ऐसा बंदोबस्त किया था कि कोई मुरझाया फूल बुद्ध को नज़र ना आए, कोई बूढ़ी स्त्री, कोई बीमार व्यक्ति, कोई दुखी व्यक्ति ना नज़र आए, हर तरफ हरियाली, हर तरफ खुशी, कभी भूख का सामना न करना पड़े, अच्छे अच्छे पकवान, यानी सभी तरह के जो ऐशो आराम भरा जीवन उसके पिताजी ने उनको देने की कोशिश की। पर फिर भी वो ऊब चुके थे, क्योंकि हम जब विषय विकारों में होते हैं, अपेक्षाओं में होते हैं, तो हम उस चीज़ से ऊब जाते हैं, सुख भी हमें उका देता है। तो एक दिन उनका मन किया कि वो बाहर घूमने जाएं, तो उन्होंने अपने सारथी को कहा कि सारथी, मैंने बाहर घूमने जाना है। तो वो रथ में बैठ के जाते हैं। उनके रास्ते में तीन उनको इंसिडेंट्स, ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, देखने को मिलती हैं, जो उनकी ज़िंदगी को बदल देती हैं। सबसे पहले उनका सामना होता है एक बीमार व्यक्ति से, जो कि बिस्तर के ऊपर लेटा है, खटिया के ऊपर लेटा है और अंतिम सांसें गिन रहा है, ना अच्छे से बैठ रहा है, ना चल फिर सकता है, ना खा सकता है। तो सारथी कहता है जो जीवन का अंत है, दुखों को भोगना पड़ता है। एक बूढ़ा व्यक्ति जो खूंटी पकड़ के कुबड़ा होके चल रहा था, वो देखते हैं तो कहते हैं अभी बुढ़ापे में इंसान असहाय हो जाता है, लाचार हो जाता है। लास्ट में उनको दृश्य देखने को मिलता है, चार बंदे एक लाश को सीढ़ी पे रख के शमशान की ओर ले जा रहे थे। तो वो कहते हैं, सारथी कहता है कि ये जीवन का अंत है, जो जन्मता है वो मरता ही है। तो ऐसी उनके मन को चोट लगी देख के, उन्होंने कहा कि जब मैंने ये देख लिया इसका मतलब मैं मर ही चुका हूँ। उनके मन में विराग पैदा हो जाता है और उनको लगता है कि जो मैंने आज तक देखा वो सच्चाई नहीं है। जीवन तो बहुत दुखों से भरा है, इंसानों को काफ़ी दुख तकलीफ़ें हैं। तो उन दुखों ने उनके मन को झिंझोड़ के रख दिया। तो गौतम बुद्ध जी, जिनकी शादी 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से करवा दी गई थी और उनका एक बेटा था राहुल, उनके जन्म के एक सप्ताह बाद उनकी जो माता माया देवी का देहांत हो गया था, फिर उसकी मौसी ने ही उनको पाला था। और जब विराग पैदा हुआ तो वो रात को ही, बुद्ध पूर्णिमा थी, उस रात भी पूर्णिमा का ही दिन था, विसाख पूर्णिमा भी कहते हैं, तो वो रात को अपना घर परिवार सब छोड़ के चले जाते हैं, विराग की ओर चले जाते हैं। उसको कहते हैं, उस जब विराग आता है तो उसको कहते हैं बुद्ध तब। बुद्ध तब को प्राप्त हो जाते हैं, उनको झिझोड़ अंदर से ही झिझोड़ता है, उसका अंतरात्मा उनको झिझोड़ती है कि ये सब बेकार की चीज़ें हैं। फिर वो एक सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करना शुरू कर देते हैं, मैले कुचैले कपड़े पहन के
भूखे रह के अपने मन को कष्ट दे के, शरीर को कष्ट दे के घूमते हैं, नंगे पांव घूमते हैं, हाथ में ठूठा लेके भिक्षा मांगते हैं। तो वहाँ उसके पड़ोस में भी एक राजा था, उन्होंने जब उनको देखा भी ये तो एक राजकुमार है, उनको उनके ऊपर तरस आया, तो उन्होंने उनको रहने के लिए घर जगह दी, तुम जहाँ रहो, पर उन्होंने ये भी ठुकरा दिया। उन्होंने कहा मैं पहले सब कुछ छोड़ के आया हूँ, ये सब बेकार की बातें हैं। तो साथियों जब वैराग पैदा हो गया तो वो सारे घूमे, वो जानना चाहते थे कि जीवन में दुखों का अंत कैसे हो, कैसे इंसान भगवान को प्राप्त कर सकता है। फिर कई आश्रमों गए, कई जगह घूमे, पर उनको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो एक दिन फिर वो उन चीज़ों से भी ऊब गए, उन्होंने फिर वहाँ नदी थी एक, वहाँ स्नान किया, खाया पिया, अपने आप को साफ़ सुथरा किया, और घूमते घूमते वो एक पेड़ के नीचे बैठ के, जिसको बोधि वृक्ष का नाम दिया जाता है, वहाँ उन्होंने 49 डेज 49 दिनों तक मेडिटेशन की और एकांत बैठे रहे, आंखें बंद की और अपना ध्यान लगाया उस परमात्मा की ओर, अपने अंदर की यात्रा देखी। तो उनको वहाँ निर्वाण की प्राप्ति हुई। उस रात भी कह सकते हैं कि पूर्णिमा का ही दिन था। साथियों जब उनको निर्वाण की प्राप्ति हो गई तो वो फिर से घर लौटते हैं एक बार। तो जब घर आते हैं तो उनके पिताजी बुद्ध के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रोधित होते हैं कि तूने ये क्या किया, तुम ये क्या पखंड कर रहे हो, बेवकूफ़ बना रहे हो, इसको छोड़ो और तुम्हारा जो राज है इसको संभालो, तेरी जिम्मेवारी बनती है। पर उन्होंने कहा कि ये सब चीज़ें बेकार हैं और तेरा मेरे ऊपर कोई हक नहीं है, पिता तेरा मेरे ऊपर कोई हक नहीं है, आप वैसे ही क्रोधित हो रहे हैं, आप मेरे मालिक नहीं हैं, मेरा इस दुनिया में आने के लिए आप एक जरिया है, मैं कई बार जन्म चुका हूँ, कई बार मेरा मरण हो चुका है। तो वो फिर उनको नमस्कार कहते हैं, तो वो फिर दुनिया को सुधारने के लिए, दुनिया को प्रेरणा देने के लिए एक राह की ओर चल पड़ते हैं, दुनिया को सुधारने के लिए। और रास्ते में काफ़ी लोगों का उन्होंने भला किया अपने जीवन काल में। उनकी आयु तकरीबन 80 साल बताई गई है, 80 साल की उम्र में उनका देहांत होता है, कुशीनगर नेपाल के एक गांव में इनका देहांत होता है। तो अगर मैं बात करूं उनकी शिक्षाओं की, क्या उनका वे था, बुद्ध कहते हैं होश पूर्वक जियो, बुद्धि से जियो। बुद्ध सबसे पहले यही कहते हैं कि परमात्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है, परमात्मा कोई चीज़ नहीं है, पहले ही परमात्मा को नकारते हैं। पहले कहते हैं ढूंढो, सर्च करो, मेडिटेशन करो, मेडिटेट करो, फिर अंत जो अवस्था है उस अवस्था का नाम वो परमात्मा कहते हैं, निर्वाण अवस्था है, इंसान खुद परमात्मा हो जाता है। उनके कुछ असूल हैं, रूल्स हैं जो उन्होंने दुनिया को दिए। तकरीबन लाखों करोड़ों अलग अलग देशों में उनके भिक्षु हैं जिनको मॉन्क्स कहते हैं। उनकी शरण में जो लोग जाते हैं, बुद्ध की शरण में जो जाएं, उनका ऐसा आकर्षण है, वो फिर बुद्धत्व को प्राप्त होके ही लौटता है, उनका ऐसा आकर्षण है। उन्होंने तकरीबन 108 तरह के मेडिटेशंस की पोजीशन दी, 108 तरह के मेडिटेशन के ढंग दिए, टाइप्स दी, जिसको करके इंसान अपना जो मानसिक स्तर है उसको बढ़ा सकता है, अपनी जो डिप्रेशन है, अपने मानसिक तनाव है, उससे आप मुक्त हो सकते हैं। तो मेडिटेशन वो दुनिया को देखे गए जो सबसे बड़ी एक औषधि है, मेडिटेशन, मेडिटेशन सभी दुखों का इलाज करता है। तो उन्होंने कहा था कि एक साक्षी भाव से जियो, एक दृष्टा की तरह जियो, ना तुम कुछ कर सकते हो, ना तुमने कभी किया है, जो होता है वो नेचर की मर्जी से होता है। देखने अगर देखा जाए तो हम किसी चीज़ से जा तो दुख में होते हैं, जा तो खुशी में होते हैं, बट जो चीज़ हमें दुख देती है वो खुशी भी देती है। किसी के आने से हमें दुख होता है और किसी के जाने से खुशी हो जाती है, या ऐसा उल्टा भी होता है, किसी के आने से हमें खुशी होती है, किसी के जाने से दुख होता है। तो बुद्ध कहते हैं ऐसी ज़िंदगी जियो, ना तुम्हें दुख का कोई दुख हो, ना खुशी तुम्हें आकर्षित करे,
एक बियोर की तरह देखो कि हाँ ये मेरे साथ घटित हो रहा है, हो रहा है, उसको मन की ओर ना लगने दो। मन में कूड़ा करकट हम डालते हैं, मन में हम गलत बातें रखते हैं, इनको निकालो, विषय विकारों को छोड़ो, ये उनका कहना था। और बुद्ध की एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है, जो भी बुद्ध के पास आता था वो कम बोलते थे, और अगर कोई उनसे कोई बात पूछता था तो 3 बार जब तक कोई नहीं पूछता था तब तक बुद्ध जवाब नहीं देते थे, और किसी को जब उत्तर देते थे तो 3 बार ही देते थे। तो उनके जो प्यारे थे, उनके जो अनुयायी थे, वो पूछते हैं भगवान आप ऐसा क्यों करते हो, तो वो कहते हैं अगर कोई सच में ही सुनने आया होगा तो वो तीन बार बताने के बाद ही सुनेगा, अगर सच में ही उसको कोई हल चाहिए होगा तो 3 बार बताते हैं, क्या बंदा बेहोशी में बैठा है, क्या पता उसको सुने या ना सुने। तो ऐसे ही एक महान अभिव्यक्ति के मालिक, ऐसे महान दार्शनिक गौतम बुद्ध जी को मेरा प्रणाम है। उनका एक प्रवचन है, बुद्धम शरणम गच्छामि, उनको लोगों ने कि उन्हें गलत रूप में लिया है कि वो ये कह रहे हैं कि मेरी शरण में आओ, पर हर एक इंसान बुद्ध है, अपनी ही शरण में चले जाओ, अपने अंदर की यात्रा शुरू करो, बाहर की यात्रा बंद करो, ये उनका कहने का तात्पर्य है। उंगली माल डाकू की कहानी उनके जीवन में आती है, जिसका उन्होंने भला किया। उंगली माल ने कसम खाई थी कि मैं 1,000 लोगों की हत्या करूंगा और उनकी उंगलियां काट के एक माला डालूंगा। तो लास्ट जो व्यक्ति थे वो बुद्ध थे, और लोग डरते थे, उस राज का राजा डरता था कि ये एक बहुत ख़तरनाक व्यक्ति है उंगली माल, बट बुद्ध बिना डरे वहाँ चले गए। तो जब वो उनको मारने की और उनको डराने की कोशिश की, बुद्ध नहीं डरे, तो उन्होंने कहा तूने ये पेड़ काटा है इसको जोड़ के बता दे, काटना किसी को आसान है, जोड़ना बहुत मुश्किल है। बुद्ध की बातों का उंगली माल के ऊपर ऐसा असर हुआ, वो बुद्ध से ज़्यादा शक्तिशाली था, बुद्ध से ज़्यादा शरीर से तगड़ा था, उसके हाथ में वर्षा था, उसके हाथ में हथियार था, जैसे वो उनकी गर्दन काटना चाहता था, बुद्ध को मारना चाहता था, बट बुद्ध के परिवर्तन ने, बुद्ध के विचारों ने उसको ऐसा कमज़ोर कर दिया, वो वर्षा उठा नहीं सका और बुद्ध की शरण में चला गया। साथियों, एक बार एक कहानी है, एक व्यक्ति बुद्ध के ऊपर थूक के चला जाता है, तो बुद्ध उसको प्रणाम कर देते हैं, तुमने कुछ कहना है, ठीक है, धन्यवाद। तो उनके जो भक्त थे बुद्ध के, काफ़ी क्रोधित हुए, भगवान आपने ऐसा इसको कुछ नहीं कहा था, कहा इसको दंड देना चाहिए था। तो बुद्ध कहते हैं कि ये व्यक्ति अभी होश में नहीं है, इसके साथ मेरा कई जन्मों का हिसाब था, किसी जन्म में इसका मैंने दिल दुखाया है, तो मैं इसके साथ कोई और आगे का नहीं रखना चाहता था, इसलिए मैंने इसे प्रणाम कर दिया। तो बुद्ध का सिद्धांत था पुनर्जन्म भी होता है, बुद्ध का सिद्धांत था कि भगवान को अपने अंदर ही प्राप्त किया जा सकता है। सच्चाई के मार्ग के ऊपर चलो, होश पूर्वक चलो, जो भी आप कर रहे हो, जो खा रहे हो, पी रहे हो, बोल रहे हो, उसको होश के साथ करो। उनका एक बहुत अच्छा प्रवचन था, होश पूर्वक क्रोध करो। होश पूर्वक कोई व्यक्ति क्रोध नहीं कर सकता, जब होश के साथ देखेगा तो क्रोध कोई कर ही नहीं सकता, उसको पता चल जाएगा कि मैं ही गलत हूँ। क्रोध सबसे एक बड़ी बीमारी है। तो दुनिया को एक मेडिटेशन दे गए। आज भी जो उनके मॉन्क्स हैं उनके ऊपर काफ़ी वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट करते हैं, साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो साथियों, आप हैरान हो जाओगे कि एक बॉडी जो भिक्षु है, जो एक मॉन्क है, जब उसकी MRI की जाती है, स्कैन की जाती है, तो उसके दिमाग से कुछ ऐसी वेव्स निकलती हैं, ऐसा शांत चित्त ब्रेन हो जाता है मेडिटेशन से, जो कि दुनिया में किसी भी व्यक्ति का नहीं है। हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, हम अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं, बट हमारे मन में कई चीज़ें ऐसे घूम रही हैं, हम किसी काम को भी पूर्णता नहीं कर पाते। तो मेडिटेशन जो है, हमें एक तो हमारे मानसिक लेवल को स्थिर रखती है, ठीक रखती है, डिप्रेशन से मुक्ति देती है। बुद्ध कहते हैं अगर हमारे मन में ही अलग विकार बातें घूम रही हैं तो हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। सबसे पहले उनका यही प्रवचन है
कि आप कभी भी मन में कोई भी बात मत रखो। और जब बुद्ध पूर्णिमा होती है साथियों, तो तकरीबन 500 जो बुद्ध के जो अनुयायी हैं, जो मॉन्क्स हैं, वो एक ऊंचे पहाड़ के ऊपर जाते हैं। नेपाल में एक ऊंचा पहाड़ है और वहाँ रात को जब पूर्णिमा होती है, आधी रात होती है, तो बुद्ध की वाणी उनको सुनने में मिलती है। तो ये बुद्ध की वाणी सुनने में उनको ही प्राप्त होती है जो सच में ही बुद्ध के शरण में जा चुके हैं। तो वहाँ 500 से ज़्यादा एक भी व्यक्ति आने की अनुमति नहीं होती। अगर एक व्यक्ति उन 500 मॉक्स में से मर जाता है तो तभी वहाँ एक नया मेम्बर ऐड होता है। तो शांत चित्त होकर बैठते हैं मॉन्क्स और वहाँ बुद्ध की वाणी, बुद्ध के प्रवचन सुनते हैं। सो साथियों, बुद्ध के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, उन्होंने भी लास्ट में बुद्ध धर्म को चुना। नवंबर मंथ में जब उनके जीवन काल आने वाला था, अंत था, तो कुछ साल पहले उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया। तकरीबन एक हफ्ता काफ़ी लाखों जो दलित थे, काफ़ी ऐसी व्यक्ति थे जो बाबा साहब के फॉलोअर थे, उन्होंने बुद्ध धर्म को ज्वाइन कर लिया। क्योंकि बुद्ध धर्म जो है इंसानों की दुख तकलीफ़ें समझता है, इंसानों में मतभेद नहीं करता, ऊंचा नीमा ऐसा अछूत अनटचेबल ऐसी बातें बुद्ध धर्म में नहीं है, सभी को ही शरण वहाँ प्राप्त होती है। तो ये भी आपके लिए एक बताने की बात है। आपने वैसे पता ही होगा कि बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी ने भी बुद्ध धर्म को ही ज्वाइन किया था। बुद्ध की शरण में जो भी जाता था, जो भी उनसे भगवान की प्राप्ति करना चाहता था, तो जो उनके मॉन्क्स थे, बुद्ध सबसे पहले उनको कहते थे कि तुम शमशान घाट जाओ, वहाँ सो। शमशान घाट को, वहाँ उसको रहने को कहते थे जो भी बुद्ध की शरण में जाता था, ताकि उसे पता चले कि जीवन का अंत क्या है। अंत यही दौर है, कितनी बार मैं पैदा हो चुका हूँ, कितनी बार मैं मर चुका हूँ, कितनी बार भोग विलास कर चुका हूँ। कहते हैं जब तक हम अपना पिछला याद नहीं कर सकते, तब तक हमारी जो आगे की यात्रा है वो शुरू नहीं हो सकती। बुद्ध ने एक आधुनिक धर्म दुनिया को दिया। इस धर्म के ऊपर आज भी काफ़ी रिसर्च होती है। जब भी आप बुद्ध को सुनो, बुद्ध के विचार पढ़ो, तो आपको लगता है कि ये जो धर्म है ये अनडिफाइनेबल है। इस धर्म की कोई भी सीमा नहीं है, इट इज़ एंडलेस एंड इट इज़ वेरी वेरी हम्बल टू द ह्यूमैनिटी। बुद्ध कभी भी क्रोध नहीं करते, क्रोध करने को नहीं कहते, वो ह्यूमैनिटी के ऊपर बिलीव करते हैं। वो लोगों को हेल्प करना, लोगों की हेल्प करना, भूखे को खाना खिलाना, गरीब की मदद करना, ये सारी बातें बौद्ध धर्म में सिखाई जाती हैं। बुद्ध का जो उनकी स्पीकिंग है, जो उनके लेसन्स हैं, वो दंपदा एक ग्रंथ है बौद्धों का, दंपदा, उसमें उनकी जो सारी वाणी लिखी हुई है। गौतम बुद्ध के ऊपर काफ़ी ज़्यादा विद्वानों ने रिसर्च की है, काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर PhD कर चुके हैं। बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने भी गौतम बुद्ध के ऊपर अपनी रिसर्च की है, रिसर्च पेपर लिखा है, वाणी लिखी है, और कई लोग उनके ऊपर आज भी रिसर्च करते हैं। गौतम बुद्ध की बात करूं तो उनके 40 अवतार हुए हैं, 40 बुद्ध हुए हैं अलग अलग दौर में, अलग अलग टाइम में। एलोरा और अजंटा की जो गुफाएँ हैं उनमें आपको बुद्ध की प्रतिमाएँ, मूर्तियाँ मिलेंगी। नेपाल में अलग अलग जगहों में चले जाओ, चाइना में चले जाओ, आपको बड़ी बड़ी बुद्ध की मूर्तियां मिलेंगी। बुद्ध का जन्म इंडिया में हुआ, पर इंडिया बुद्ध से इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ जितना कि फॉरेन हुआ। पर आज भी इंडिया के कई ऐसे कोने हैं जहां बुद्ध की काफ़ी ज़्यादा चर्चा है, काफ़ी ज़्यादा उनका मान सम्मान है। मेरे मन में भी बुद्ध जी का काफ़ी ज़्यादा सम्मान है। उनकी जैसे मैंने उनको पढ़ना शुरू किया, उनकी वाणी सुननी शुरू की, तो मैं काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं शॉक्ड हुआ कि ज़िंदगी इतनी आसान है। ज़िंदगी की उलझने हमने वैसे ही बना रखी हैं, ज़िंदगी को एक आसान ढंग से भी जिया जा सकता है। बुद्ध ने ज़िंदगी जीने का ढंग लोगों को दिया, आसान तरीके से जीने का ढंग लोगों को दिया। मेरा फिर से सत सत प्रणाम है।
बुद्धम शरणम गच्छामि, प्रणाम है मेरा बुद्ध को, और सभी बुद्ध के जो मॉन्क्स हैं उनको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं आज के दिन की, बुद्ध जयंती की, बुद्ध पूर्णिमा की। हैप्पी बुद्ध जयंती टू ऑल ऑफ यू। और मेरी सभी से एक गुजारिश है, रिकमेंडेशन है कि बुद्ध के बारे में ज़रूर पढ़िए, और आगे भी मैं कुछ ना कुछ बातें लेके आता रहूँगा उनके बारे में। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था बुद्धिज़्म के ऊपर, और कैसा वीडियो लगा काइंडली कमेंट करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।